नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। विश्व मधुमेह दिवस के मौके पर आयोजित किया गया प्रशिक्षण शिविर। जिला चिकित्सालय प्रांगण में A&M प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया मधुमेह प्रशिक्षण शिविर। इस शिविर के माध्यम से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मधुमेह के बारे में जानकारी दी गई, साथ ही मधुमेह को कैंसर रोका जाए इस बारे में भी बताया गया। हर व्यक्ति की और उनकी ब्लड शुगर की जांच करेंगे। यदि कोई डायबिटिक पेशेंट पॉजिटिव आता है तो उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर मेडिकल ऑफिसर के द्वारा उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे। यहाँ तक बात कम्युनिकता है। नवंबर विश्व डायबिटीज डे भी है, क्योंकि हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की ट्रेनिंग ले रहे हैं। उसमें एक डायबिटीज एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था। इस ट्रेनिंग के बाद हम मतलब हमारा मेन काम क्या रहेगा कि गाँव में कम्युनिटी में जा करके डायबिटीज के मरीजों की पहचान करना, उसकी स्क्रीनिंग करना। चूँकि ये प्रक्रिया हमें क्या करना है कि डायबिटीज आज मतलब 14 नवंबर को विश्व डायबिटीज दिवस के अवसर पर, चूँकि प्रोग्राम में पहले से डायबिटीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे, आज स्पेशल रूप से डायबिटीज़ का एक लेक्चर रखा गया है। डायबिटीज़ इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम कम्युनिटी में जाकर के डायबिटीज़ के मरीजों को छांटेंगे, उनकी स्क्रीनिंग करेंगे। यदि कोई पॉजिटिव निकलता है उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाकर मेडिकल ऑफिसर के द्वारा उनकी दवाइयाँ दी जाएंगी। लोगों को डायबिटीज़ के प्रति जागरूकता फैलाने का उद्देश्य है कि डायबिटीज़ के क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कैसे होता है, इसके को कैसे रोका जा सकता है। चूँकि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी, यदि हमने अपनी दिनचर्या को जीवन शैली को अच्छे से रखा तो डायबिटीज़ होने के चांस कम से कम हो जाते हैं, कम हो सकते हैं, ख़त्म नहीं हो सकते। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसको हमें मतलब कंट्रोल रखना है। डायबिटीज़ एक जिसमें कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिससे कॉम्प्लिकेशंस होने के डर रहते हैं, इसलिए हमें उस शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखना है। उसके लिए दिनचर्या का हमें मतलब एक अच्छी दिनचर्या का करना, जिसमें कि हमें हेल्दी डाइट लेनी है, मोटापा कम करना है, सुबह घूमना है, प्रति मतलब हर हफ्ते में कम से कम 150 मिनट एक्सरसाइज, ये सब जीवन शैली को यदि हम रखेंगे तो डायबिटीज़ के जो लक्षण है वो कम से कम रहेंगे और जो उन व्यक्ति को डायबिटीज़ नहीं है उनको कम होने के चांस कम से कम हो जाएंगे। पत्रकार के साथ हुई लूट का एक अन्य आरोपी हुआ गिरफ्तार। पत्रकार के साथ हुई लूट का पांचवा आरोपी गिरफ्तार हुआ। पुलिस को मुखिया से सूचना मिली थी कि पत्रकार के साथ हुई लूट का आरोपी जज्जी बस स्टैंड से बस में सवार होकर कहीं भागने की फिराक में है, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सूचना मिली थी कि जज्जी बस स्टैंड पर वो पत्रकार के जो लूटपाट हुई थी, उसका मुख्य आरोपी अभिषेक पंडित बस स्टैंड पर भाजानी प्रागमण है। सबका चीज़ें यहाँ पर टैक्सी की थी, वहाँ पहुँची, वहाँ पर भी हमको देख कर भागने लगा। वहाँ पर उसको मैं पहुँची उसको पकड़ा, पकड़ा के लेने पर बस्ती से 32 लोग देश इकट्ठा मिला, जो उसने घटना प्रयोग किया था इकट्ठा था, और जो मंगलसूत्र जो छीना था तो वो मंगलसूत्र मैंने लिया, सबसे सारी नहीं हुई तो उसको वहाँ पर तलाश किया था। मंगलसूत्र इकट्ठा के साथ इसको इस मामले के अभी तक कितने आरोपी पकड़े हो चुके हैं? इस मामले में अभी तक हमने 5 आरोपी पकड़ लिए हैं। 2 आरोपी और रह गए हैं, एक शैतान सिंह और दूसरा है पंकज शर्मा, इनको भी जल्दी जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। एक ही परिवार की 3 मोटरसाइकिल हुई चोरी। बुल्लनपुरा निवासी दीपक कुशवाहा की और उनके परिवार की 3 मोटरसाइकिलों को चोरों ने बनाया निशाना। विगत रात्रि दीपक कुशवाहा अपने घर पर लौटा था, जहां उसने अपनी मोटरसाइकिल घर के बाहर ही खड़ी कर दी थी। जब वह सुबह उठा तो उसकी गाड़ी घर के बाहर नहीं थी, साथ ही उसके रिश्तेदारों की गाड़ियां भी घर के बाहर नहीं थी, जिसकी शिकायत करने आज वह पुलिस थाने पहुंचा। बाद में हम 12-1 बजे पानी दे के आए थे, तो पानी देने के बाद उसमें अगर गाड़ी हमने आके देखी तो गाड़ी चोरी रात को लगभग रात में कम एक बजे एक से डेढ़ बजे कितनी गाड़ी चोरी हुई है? 3। तो 3 एक जगह से हुई क्या? अलग अलग जगह से? नहीं, अलग अलग जगह से। तो और कुछ भी चोरी हुआ है गाड़ी के अलावा? क्या गाड़ी के अलावा कुछ चोरी नहीं हुआ? ये एक ही परिवार की गाड़ियां चोरी हुई हैं। भैया की भैया 3 गाड़ियां? हां, और भैया सब। मोटरसाइकिल कौन कौन सी थी? एक तो थी इसमें सीवी जेड थी, एक डीलक्स थी, एक प्लेटिनम। अच्छा, ये तीनों एक ही जगह रखी थी क्या? अलग 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 घरों में रखी हुई? अलग अलग घरों के बाहर रखी थी, मतलब लोग लग रहे थे, लोग टोल और एक गाड़ी
जो है ना पास में वो बरामद हुई है, पता नहीं कहाँ कहाँ पे छोड़ गए थे वो गाड़ी बरामद हुई। वो मतलब वो गाड़ी छोड़ के दो दूसरी गाड़ी ले गए? नहीं, गाड़ी तो वो छोड़ गए थे वो, और कोई की गाड़ी है? और कोई की गाड़ी है। बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन ने किया आज धरना प्रदर्शन। अपने वेतन के निर्धारण में होने वाली देरी के कारण बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा आज ऑल इंडिया धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके तहत आज बीएसएनएल कार्यालय में भी धरना प्रदर्शन किया गया। आज की जो रैली 14/11/2018 की रखी गई थी, वो डाट की सेक्रेटरी श्रीमती अरुणा सुंदर राजन टेलीकॉम सेक्रेटरी है, उससे हम लोगों की बात हुई थी कि मतलब आपका वेतन निर्धारण कर दिया जाएगा, और पुनः उसने उसमें अड़ंगा लगा दिया, वेतन निर्धारण हमारा नहीं किया। उसके विरोध में आज दिनांक 14/11 को मतलब रैली निकाली गई है, और ये रैली ऑल इंडिया में मतलब स्ट्राइक के रूप में यानी हड़ताल के रूप में बदली जा सकती है अगर हमारा वेतन निर्धारण नहीं होता तो। इनको सबका वेतन निर्धारण करना है, और संचार मंत्री माननीय मनोज सिन्हा जी ने स्वीकृत दे चुके हैं, जिसको कि मतलब पेंडिंग कर रखी है डाट सेक्रेटरी मैडम अरुणा सुंदर राजन। बाल दिवस के मौके पर आयोजित किया गया बाल मेला। बाल दिवस के मौके पर शहर के एक निजी स्कूल में आयोजित किया गया बाल मेला। इस मेले में गुना के समस्त स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। वहीं छात्रों के द्वारा अपने अपने स्टॉल भी लगाए गए, जिन पर उनके द्वारा मॉडल बनाए गए रखे हुए थे। बाद 12 फीट का अजगर वन विभाग व पुलिस की टीम ने पकड़ा। मामला है मकसूदनगढ़ के बल्लभगढ़ गांव का, जहां किसान के गन्ने के खेत में एक 12 फीट के अजगर होने की सूचना मिली। उसने डायल 100 पुलिस और वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते हुए ही अंडर डायल और वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा, जहां 12 फीट के अजगर को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करीब 2 घंटे तक चला। कड़ी मशक्कत के बाद 12 फीट के अजगर को पकड़ने में वन विभाग अमले के कर्मचारियों को कामयाबी मिली। अजगर को रेस्क्यू कर पकड़ लिया गया, और बाद में उसको वन विभाग के अमले ने जंगल में छोड़ दिया। डंडे में लो पतले वाले में से सड़क में नीचे दबा दे। पतली वाली कहाँ गई? बोरी पतली वाली डंडी पतली वाली ये 13 तारीख को करीब 3 बजे डायल 100 को गांव वालों ने सूचना दी थी कि ग्राम जांगो के पास बल्लमगढ़ में एक अजगर गांव में किसान के घर के पास आ गया है। उस सूचना पर वन संरक्षक महोदय द्वारा हमको जानकारी दी गई। उस सूचना पर हमने स्टाफ ग्राम बल्लमगढ़ भेजा। वहां पास में किसानों के गन्ने के खेतों से एक बड़ा 10-12 फीट का अजगर गाँव में किसान के घर में वो लकड़ियाँ रखी थी उनके ढेर में छपा था। वन विभाग की टीम ने जाकर उसको रेस्क्यू किया, पकड़ के उसको बंद करके ड्रम में और जंगल में छुड़वा के आजाद किया। मोटरसाइकिल चोरी के 2 सदस्य गिरफ्तार। वाहन चेकिंग के दौरान हिंदू पथ के सामने मोटरसाइकिल चालक को रोका गया एवं कागज मांगे गए तो वह घबरा गया एवं कोई भी कागज नहीं बताए गए। आरोपी ने अपना नाम छोटू उर्फ बहादुर सिंह पुत्र उदयवान सिंह उम्र 23 साल एवं दूसरा आरोपी बुंदेल सिंह अहिरवार निवासी आरोन, जिनसे 4 गाड़ियां बरामद की गई हैं, जिसमें हीरो होंडा डीलक्स और स्प्लेंडर पर फर्जी नेम प्लेट लगाकर गाड़ी चला रहे थे। जब पुलिस ने थाने पर लाकर पूछताछ की तो 2 मोटरसाइकिलों को आरोपी के द्वारा कबूला गया और घर पर रखी हुई बताया गया। पुलिस ने मौके पर से 4 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं।
इनको सबको पता है कौन लेके गया है। देखो यार, इधर लकड़ा साथ में था, उसको हाई करो, लकड़ा की कार्रवाई है पूरी। प्रश्न के जो है छोटू यादव है, लड़का ये मोटरसाइकिल में चोरी करता है और करवाता भी है, तो इस सूचना पर से मैंने इसको गिरफ्तार किया। मोटरसाइकिल लेके आ रहा था और मोटरसाइकिल से शहर गिरफ्तार किया था। उस मोटरसाइकिल का जब मैंने नंबर पता करवाया तो बना के निकली थी, वो मोटरसाइकिल बना के निकली और एक मोटरसाइकिल गिरफ्तार करने के बाद एक मोटरसाइकिल और बना के निकली है इसके कब्जे से, और एक इसके जो है घर में से दो मोटरसाइकिल घर से बना रखी है। इसमें सर चोरी पकड़ने में डिपार्टमेंट में किस किस का विशेष योगदान रही है? हमारे एसआई साहब की और एसआई लकड़ा की। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। शासकीय विद्यालय में खाट, शिक्षा विभाग के अधिकारियों की अनदेखी, शिक्षकों की मनमाली धड़ल्ले से हो रहा आचार संहिता का उल्लंघन। शिक्षक स्कूल से नदारद लेकिन उपस्थिति दर्ज, शिक्षकों के आराम करने के लिए स्कूल में मौजूद रहती है खटिया। मामला गुना जिले के बमोरी ब्लॉक के तहत मंगरोड़ा जन शिक्षा केंद्र के विद्यालयों का। शुरुआत करते हैं ग्राम माना के प्राथमिक विद्यालय की। यहां शिक्षकों की संख्या 4 और एक अतिथि शिक्षक है। स्कूल में दर्ज बच्चों की संख्या 105 है। विद्यालय से नदारद मिले हेडमास्टर साहब रामदयाल, पूछने पर शिक्षकों ने बताया कि गांव में गए हैं बच्चों को बुलाने। वहीं एक शिक्षिका मातृत्व अवकाश पर है, और इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात यह रही कि स्कूल में दर्ज बच्चों की संख्या 105 है, पर मौजूदा स्थिति में सिर्फ 9 बच्चे ही स्कूल में दिखाई दिए, जो यहां के विद्यालय की एक बड़ी सवालिया निशान खड़ा करते हैं। क्या वाकई में इस विद्यालय में 105 बच्चे पढ़ते हैं? इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ग्राम कुमारी के माध्यमिक विद्यालय में सिर्फ शिक्षक ही अकेले मिले। इस विद्यालय में सिर्फ एक ही शिक्षक है और बच्चों की संख्या है 62। इस विद्यालय में शिक्षक तो मौजूद मिले लेकिन बच्चे नदारद रहे। इसी क्रम में ग्राम खरखेड़ा प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय में 4 शिक्षक, 2 अतिथि शिक्षक है, जिनमें मौजूदा सिर्फ एक शिक्षक और एक अतिथि शिक्षक, बाकी शिक्षक नदारद रहे। यहां दर्ज बच्चों की संख्या भी बहुत कम मिली। बच्चों की संख्या प्राथमिक विद्यालय में दर्ज बच्चों की संख्या 98 है और माध्यमिक विद्यालय में बच्चों की संख्या 60 है, पर उपस्थिति केवल 35 बच्चों की थी। शिक्षक का कहना है कि यहाँ मौजूदा एक शिक्षिका प्रशिक्षण के कार्य हेतु केंद्र पर गई है। इस बारे में जब बच्चों से पूछा तो बच्चों ने कहा कि मैडम यहाँ नहीं आई। इससे पहले शिक्षक का बोलना था कि मैडम स्कूल आई थी, इसके बाद केंद्र पर गई थी। जब स्टाफ रजिस्टर देखा गया तो वहां पर साइन मौजूद नहीं थे। शिक्षकों का कहना था कि मैडम डायरेक्ट ही केंद्र पर प्रशिक्षण संबंधी कागजी काम हेतु केंद्र पर गई हैं। दो अन्य शिक्षकों के बारे में बोलना था कि एक घर के काम से निकल गए हैं और एक शिक्षक की तबीयत खराब हो जाने के कारण जल्दी चले गए 2:30 बजे। किस तरह से शिक्षा विभाग की अनदेखी का लाभ यहां के शिक्षक उठाते दिख रहे हैं। प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बावजूद शिक्षकों को नहीं किस प्रकार का भय, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति नहीं है कर्तव्य और निष्ठावान, इस तरह से बच्चों को शिक्षा कैसे देंगे ये शिक्षक? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सारे क्षेत्र एमपी और राजस्थान की सीमा से सटे हुए हैं और ज्यादातर शिक्षक राजस्थान से ही यहाँ पढ़ाने आते हैं और शिक्षा अधिकारी सालों तक इन विद्यालयों पर अपना रुख नहीं करते, जिसका फायदा शिक्षक और केंद्र प्रभारी CSC मिलकर शिक्षा विभाग को चूना लगाते हैं और अपनी मनमर्जी चलाते हैं। टोटल 4। आपका नाम क्या? और जो स्टाफ है आपका, किस लिए गए? मेरे से तो नहीं कही, नहीं बोली आपसे। तो जो जो नहीं आए हैं उनके क्या क्या नाम है बताएं? पंकज वैष्णव और एक मैडम है। एक मिनट, मैडम के क्या नाम है? किरण शर्मा। और दूसरे तीसरे? बाकी दो अतिथि हैं। तो कब से नहीं आया हूँ? आज आए थे, गए अभी गए। क्यों अभी कहाँ चले गए? टाइम कहाँ हुआ अभी? एक मिनट, अभी टाइम के पहले कैसे चले गए? अगर वो आए थे आप बोल रहे हैं तो टाइम के पहले कैसे चले गए? जी ऐसा बता रहे हैं कि गए हैं, तो इसका मतलब आए नहीं है? आए थे, बिल्कुल आए थे। अभी आप ही बोल रहे हो कि एहसाब बता रहे हैं कि वो गए हैं, और जस्ट अभी आपने बोला कि मेरे से नहीं कही, मेरी तबीयत खराब है। अच्छा, पुलिस की गाड़ी ने कट मारकर मोटरसाइकिल वालों को गिराया, फिर घायल हुए लोगों को देखने की जगह जमकर मारपीट की। महूगढ़ रेलवे फाटक के पास सुबह की घटना। जिला अस्पताल में घायल इलाजरत ने बताया कि हम साइड में थे, कट मारा, गिरकर घायल हो गए, उस पर पुलिस ने हमें देखने की जगह हमारे साथ जमकर मारपीट की। पुलिस वालों में 3 स्टार का एक अधिकारी भी शामिल था। मतलब पुलिस वालों की गाड़ी थी? कैसे? उनकी गाड़ी एम्बुलेंस हो गई थी,
मेरी गाड़ी में ठोकर ही सी थी, मैं साइड में था। अच्छा। और फिर बाद में उन्होंने मेरे साथ में मारपीट करी। कितने लोग थे? चार पांच लोग थे। चार पांच लोग थे, मतलब किस हिसाब के थे? दीवान वगैरह पुलिस वाले? तीन स्टार है तो इतना जाना हूँ साहब मैं तो। बस तीन स्टार था। अपन ने मना नहीं करी कि मार क्यों रहा है? हाँ मैंने कहने मैंने बाबू जी मार का रहा है, मैंने कहा मेरे पैर ठीक नहीं होना, वो बेटा रो थे नहीं, वो तो दोनों थप्पड़ थप्पड़ गए मेरे। अच्छा मारा ठोकी की? लेके भी नहीं आया वो लोग? लेके कौन आया फिर? सरकारी गाड़ी लेके आई। हाँ सरकारी गाड़ी, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस लेके आई? एम्बुलेंस कौन कौन लगाया? हम मुझे मालूम नहीं कौन भैया ने मिलने वालों लगाया। अच्छा मिलने वालों लगाया। मैं तो घंटा भर जाकर पीछे पता पड़ूंगा, मैं तो सब्जी बंद बात। अभी कोतवाली से कोई आया था ध्यान व्यान लेने? कोई ये जैसे भाटे लेकर आया था गांव से। कौन? शिवचरण। हाँ। इसके पीछे मैं था थोड़ा, तो उधर से ये गाड़ी आ रही थी साइड पे के अलग से? साइड से थे हम भी दोनों, उसके मतलब थोड़े बात पीछे था मैं। हाँ। तो आकर उनने गाड़ी एकदम भगा कर थोड़ी कट मारा उनने, तो जी जाकर उसमें भड़क गाओ चलते नहीं कर गाओ, उठ के गाड़ी से उतार के उनने मतलब पीछा नहीं पहुँचे उसे, मतलब एक्सीडेंट करने के बाद मारा ही पुलिस? हाँ पुलिस ने मारा। कौन ने मारा? ये दरोगा था, तीन फुलका आए थे मुझे। अच्छा। उसमें एक लेडीज वगैरह भी थी। कितने लोग थे उसमें गाड़ी में? चार या पाँच जने थे। अच्छा। मैं जैसे उस गाड़ी उसकी फेंकी ना, वो गाड़ी मेरी फेंक थोड़ी मैं बागर में कर गया, तो मैं उठा उनने जो ना तो मुझे भाई मतलब उसमें चाटा और थप्पड़ मतलब पीटने लगे बहुत तरीके से, देखो फिर भीड़ भाड़ हो गई। मतलब उसे बोले उठा के भी नहीं लेके आए? नहीं कोई नहीं ले गया, उल्टा मारा उन लोगों ने। हाँ मार के और दोबारा मतलब साइड से खड़े हुए थे तो गाड़ी से। अच्छा। मंडी अधिकारियों की मनमानी के चलते परेशान हो रहे हैं ग्रामीण। चतराई गांव से आए ग्रामीणों ने बताया उनके मोबाइल पर मैसेज आया था कि वह अपनी फसल का सैंपल लेकर मंडी में आए। जब वह लोग उड़द का सैंपल और ट्रैक्टर ट्राली भरकर मंडी में पहुंचे तो वहां पर कोई भी अधिकारी उन्हें नहीं मिला, जो भी मिले वह सही से जवाब नहीं दे रहे थे। थकार कर जब इस किसानों ने मंडी के अंदर बैठे अधिकारियों से बात करना चाही तो उन्होंने बाहर नोटिस बोर्ड पर चस्पा लिस्ट की ओर इशारा करके उन्हें वहां भेज दिया और कहा कि इस लिस्ट में देख लो कि किससे तुम्हें मिलना है। लिस्ट में लिखे नंबर पर फोन लगाने पर फोन स्विच ऑफ आ रहा था। किसान परेशान है कि अब जाए तो जाए कहां। किसानों का आरोप है कि उन्हें सरकार कि किसी भी योजना का लाभ ठीक से नहीं मिल पाता। मैसेज है आपके पास? है मैसेज और ट्राली भी आप मैसेज भेजे थे हम जबकि सैंपल लेके आओ। अच्छा। और कुछ ट्राली भी लेके आए। क्या क्या लाए वो ट्राली? उड़द। उड़द। हाँ फिर क्या हुआ? या कोई ना तुलवाने की व्यवस्था है ना कुछ भी नहीं है। तो अभी अभी आपने अधिकारी मंडी अधिकारी से बात करी, उनने क्या बोला? बाहर लिस्ट लगी है देख लो बात कर लो, मोन के मोबाइल स्विच ऑफ बता रहे हैं। अच्छा तो वो क्या कह रहे हैं वो लोग? वो जी बोल रहे हैं उनके मोबाइल पर बात करूँगा। तो आपको पता नहीं चल पा रहा है कहाँ पर बेचना है? पता नहीं चल रहा। तो फिर आप लोग अब क्या करेंगे? मंडी बेच के जाएंगे वो नहीं पौने दाम पे। मतलब आप भवन वो योजना कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। शहर के मुख्य मार्गों से यातायात पुलिस ने हटाया अतिक्रमण। हालांकि इससे पहले भी कई बार यातायात पुलिस के द्वारा चालानी कार्रवाई एवं समझाइश भी दी गई, लेकिन दुकानदार हैं कि मानने को तैयार ही नहीं। बार बार अपना सामान दुकान से उठाकर रोड पर रख लेते हैं जिससे वहां हमेशा जाम की स्थिति बन जाती है। देखने लायक होगा कि कार्रवाई के बाद क्या दुकानदार अतिक्रमण से फिर से शुरू कर देंगे या फिर पुलिस की बात मान लेंगे। अब आप यही रसीद बनवा रहे हैं या थाने आके बनवाओगे? यहाँ रसीद बनवाओगे तो सामान यहीं वापस मिल जाएगा। ठीक है मुख्य बाजार है, अभी हम खड़े हैं अपने प्रकाश टाकिंग के लिए। यहाँ का दुकानदारों द्वारा लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है, बार बार इनको समझाई दी जाती है, चालानी कार्रवाई भी की जाती है। चूँकि यातायात पुलिस बाजार में सघन सुगम यातायात एवं
अतिक्रमण विरोध के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज भी कार्रवाई है और लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। अभी थोड़ा बीच में त्योहारों की वजह से गैप हो गया था, इन लोगों को दोबारा से समझाना पड़ रहा है, कार्रवाई निरंतर जारी है। देसी आना न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।